स्वामीनारायण गुरुकुल एजुफेर 2021-22 प्रदर्शनाचे आयोजन 26 फेब्रुवारी रोजी करण्यात आले. श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनॅशनल शाळा कुंभारी सोलापूर येथील गुरुकुल मध्ये दिनांक 26 फेब्रुवारी रोजी गुरुकुल एजुफेर अर्थात विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याचे प्रमुख पाहुणे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, दक्षिण सोलापूर तालुका गट शिक्षणाधिकारी मल्हारी बनसोडे उपस्थित राहणार आहेत. या प्रदर्शनात गुरुकुलातील विद्यार्थ्यांनी केलेले विविध विषयांवरील मॉडेल, प्रोजेक्ट, प्रयोग, संशोधन सादर करणार आहेत. हे प्रदर्शन शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांच्या बालप्रतिभेने सजलेली असेल. त्याचबरोबर हे प्रदर्शन सोलापूर वासियांसाठी अत्यंत उपयोगी ठरणार आहे. या कामी संस्थेचे वरिष्ठ आचार्य श्री कृष्णचरणदास स्वामीजी, मुख्य आचार्य विश्वमंगलदास स्वामीजींचे आशीर्वाद लाभलेले आहे. सर्व सोलापुरांना आवाहन करण्यात येणार आहे की या प्रदर्शनात 26 फेब्रुवारी सकाळी 9 ते 2 पर्यंत भेट देऊन आनंद घ्यावा, असं आवाहन संस्थेचे मुख्याध्यापक संतोष भालके यांनी पत्रकार परिषदेत केलं आहे. सबसे पहले तो मैं भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में वंदना करना चाहूँगा. पूज्यपाद श्री विष्णुदास जी स्वामी जी जो हमारे मोटिवेशन है, हमारे संत हैं, ब्रह्मदाते स्वामी जी काजेश्वर और मेरे बंधु. वैसे नमस्ते, मेरा नाम संतोष भालकी है. मैं श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल की सेवा कर रहा हूँ. आज का जो उद्देश्य है आप सभी से वार्तालाप करने का, परिचित होने का, हमने 26 फरवरी 2022 को हमारे कैंपस में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुंभारी सोलापुर में एक गुरुकुल एजुकेशन फेयर का आयोजन किया है. वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स में एजुकेशन फेयर होता है, साइंस का एग्जीबिशन होता है, लेकिन गुरुकुल एजुकेशन फेयर का महत्व क्या है, क्यों कर रहे हैं? गुरुकुल एजुकेशन फेयर एक ऐसा फेयर है जहाँ सिर्फ हम सिर्फ साइंस सब्जेक्ट को महत्व नहीं दे रहे, हम इंग्लिश को भी दे रहे हैं, मराठी को भी दे रहे हैं, हिंदी को भी दे रहे हैं, सोशल को भी दे रहे हैं, साइंस को भी दे रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस को भी दे रहे हैं, आर्ट्स को दे रहे हैं. तो हमारा महाराष्ट्री कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, ये सभी का आपको परिचय मिलेगा. जैसा कि आप सभी जानते हैं 1.5 साल से सभी स्कूल कॉलेज बंद थे. जो टैलेंट हुनर बच्चों में था तो ऑलमोस्ट 0 हो गया था. फिर भी ऐसे संदर्भ में हमने क्या किया है, हमारे टीचर जो टैलेंटेड हैं उनके सहयोग से, स्वामी जी के आशीर्वाद से बच्चों में फिर से हुनर टैलेंट रीजनरेट किया है. बच्चे डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए उनको एंकरेज किया है कि जो भी वो करना चाहते हैं समाज में सेवा के भावना में. क्योंकि हमारा ये स्कूल है जो सिर्फ एजुकेशन नहीं देता, एजुकेशन के साथ साथ हम बच्चों को कल्चर, भारतीय संस्कृति, माँ बाप की सेवा करना, जो भी बनना है एक आदर्श व्यक्ति बन के समाज में सेवा करना है, और इंडियन कल्चर जो है थ्रू आउट वर्ल्ड में फैलाना है. ये मोटिवेशन दे के हमने 26 तारीख जो आने वाला शनिवार है सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक ये प्रोग्राम का आयोजन किया है. बच्चों ने खूब मेहनत किया है, टीचर्स का बहुत सपोर्ट है, हमारे पास बहुत टैलेंटेड टीचर्स हैं, पेरेंट्स का भी बहुत, क्योंकि पेरेंट्स तो वरीड थे, पेरेंट्स बहुत चिंता में थे कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल से तो कुछ 0 हो गया नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस. तो अभी ऑफलाइन अभी भी चालू हुआ है, हम तो उतना मोटिवेशन करके बच्चों को हम ये प्रोजेक्ट्स के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए और चार्ट्स के जरिए, नृत्य के द्वारा, स्किट के द्वारा ये जो कल्चर है उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं. इस अवसर पर माननीय जिलाधिकारी साहब मिलिंद शंभरकर साहब इज काइंड इनफ टू बी एज अ चीफ गेस्ट. अभी आज की दुनिया में अगर स्कूल कहते हैं तो सबके दिमाग में यही आता है कि वहाँ पर पढ़ाया जाता है और सब लोग उसके लिए भेजते हैं पेरेंट्स भी कि हमारे बच्चे को अच्छा मार्क्स मिले और सोसाइटी में कुछ अच्छा होता, उसको प्राप्त हो, अच्छा कुछ बन के बाहर आए, इसीलिए उसको स्कूल में भेजते हैं. लेकिन हमारा स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं, हमारा गुरुकुल स्कूल है. यहाँ पर विद्या, सद्विद्या और ब्रह्म विद्या, ये तीनों पढ़ाई जाती है. विद्या बोले तो सिर्फ नॉलेज जो आप सब जानते हैं, साइंस, मैथ्स, आईटी, हिंदी, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसे विद्या कहते हैं. वो स्कूल है तो हम पढ़ाते हैं वो विद्या कहते हैं. लेकिन सद्विद्या और ब्रह्म विद्या ये हमारा एक्स्ट्रा कोर्स है, ये सब स्कूल में नहीं. हमारे जो गुरुकुल के संस्थापक फाउंडर है वो परम पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी,
वो 1948 में जब देश आज़ाद होने जा रहा था तब सोचा कि ये देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ये देश खाली ब्रिटिशरों से ही आज़ाद होगा, लेकिन जो गलत आदतें हैं वो सब तो ऐसे ही है। इसलिए उससे भी आज़ाद करने के लिए शास्त्री जी महाराज ने ये फैक्ट्री डाली है जो बच्चों को सुखा, और हमारे बच्चे ही कल का ये देश का भविष्य है। इसलिए अभी बच्चों को सुधारेंगे तो हमारा कल का भविष्य भी सुधरेगा। तो फिर वो शास्त्री जी महाराज ने वहाँ गुजरात में हमारा राजकोट संस्थान में वहाँ पर डाला, और वो गुजरात में ही नहीं और पूरे देश को ये मिलना चाहिए ये सोच के परम पूज्य सतगुरु श्री देवप्रसाद दास जी स्वामी है, उन्होंने पहली बार 1995 में हैदराबाद में ये संस्था प्रथम शुरुआत किया। तो फिर सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरी दुनिया को भी मिलना चाहिए उस हिसाब से ये स्टार्ट किया, और आज हमारी 50 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं, और उसमें सिर्फ विद्या नहीं लेकिन साथ में सद्विद्या और ब्रह्म विद्या का भी ज्ञान दिया जाता है। सद्विद्या में क्या होता है, तो अपने माता पिता को कैसे रिस्पेक्ट करना, दूसरे को मदद करना, जो हार्ड टाइम पर मुश्किल में किसको मदद करना, वो सब सद्विद्या में वो भी यहाँ सिखाया जाता है। और ब्रह्म विद्या में बोले तो अभी आजकल दुनिया में हम सबके साथ रिलेशन रख रहे हैं, कहीं किसी से ब्रेक ना हो जाए उसका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हम भगवान के साथ कैसे रिलेशन रखना, हमारे जिंदगी में सिर्फ पैसा और ये दुनिया में पैसा ही नहीं होना चाहिए लेकिन साथ में भगवान भी रखना, उसके लिए भी बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि जिंदगी में भगवान कैसे रखना, और उसका हमारे गुरुकुल में पूरा सिलेबस है कि पूरे साल में हम ब्रह्म विद्या में कितना पढ़ाते हैं बच्चों को, उनका पूरा सिलेबस है। और उसके लिए ही ये एजुकेशन गुरुकुल एडुफेयर है, उसमें सिर्फ विद्या का ही हम नहीं दिखा रहे कि साइंस में हमारे बच्चों ने ये दिखाया, हमारे बच्चों ने ये बनाया, मैथ्स में ये बनाया, उसके साथ हम सद्विद्या और ब्रह्म विद्या उसका भी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि हम गुरुकुल की तरफ से सद्विद्या और ब्रह्म विद्या में क्या सिखाया जाता है, वो बच्चों को क्या सिखाया जाता है उसके लिए ये एडुफेयर है। तो फिर हमारे श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप पूरे सोलापुर वासियों को ये हमारे तरफ से आमंत्रण है, तो जरूर 26 फरवरी 2022 को आप जरूर गुरुकुल सोलापुर में बताएं। या पत्रकार परिषदेला मुख्याध्यापक संतोष भालकी, मुख्य आचार्य विश्वमंगल दास स्वामीजी, ब्रह्मस्वरूपदास स्वामीजी मदार काजी उपस्थित होते।